मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा वैसा नहीं हुआ। आज यह वचन में क्या कह रहा है? हालेलुया। वचन में देखो उत्पत्ति 30:2 में क्या लिखा है, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखा है, तेरी कोख तो उसी ने बंद रखा। हालेलुया। राहेल जो है याकूब की पत्नी थी, उसके पास बच्चा नहीं था। हालेलुया। उसके पास बच्चा नहीं था और फूट फूट के रोती है, कहती है, अरे तू अपने पति को कहती है, अरे तूने मुझे बेटा नहीं दिया, बोल के अपने पति को ले दुनिया से नाना सिर। जैसे आज संसार के लोग जब मैं कुछ नहीं बोलता, अरे तू तो निकम्मा पति है, अरे तू तो निकम्मा पति है, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिलाया, तूने मुझे मेकअप का सामान नहीं दिलाया, तूने मुझे ये नहीं दिलाया, तूने मुझे स्कूटी नहीं दिलाया। आज वैसे ही राहेल भी अपने पति याकूब से क्या कहती है, कहती है, सुन पति, आ पति सुन, तूने तो मुझे बेटा नहीं दिलाया, अरे तूने तो मुझे बेटा नहीं दिलाया। तब उसके बाद क्या याकूब क्रोधित तो गुस्सा था, कहता है, बेवकूफ पत्नी चुप, क्या मैं परमेश्वर हूँ तुझे बेटा दूंगा? हालेलुया। याकूब गुस्सा होकर क्या कहता है, कहता, अरे क्या मैं परमेश्वर हूँ, क्या मैं परमेश्वर जो तुझे तेरा कोख भर दूंगा, तेरा गर्भ भर दूंगा, मैं तुझे बेटा दे पाऊंगा? बेवकूफ। आज क्या आज हम भी ऐसे ही हैं? अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को हम कोसते हैं, क्या तूने मुझे ऐसा किया, तूने मुझे वैसा किया? तो यहाँ पे याकूब क्या कह रहे हैं कि क्या मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरा इच्छा पूरा कर पाऊंगा? लेकिन अगर जो आप परमेश्वर के पास जाते हो तो देखो मेरा परमेश्वर क्या करता है, कहता है कि मैं तेरे गर्भ को भरूंगा। 30:22 पढ़िए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं देखिए। हालेलुया। हालेलुया। 22 परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। हालेलुया। कब खोले, कब खुला उसका कोख? जब उसने याकूब का बात को सुनी कि अरे क्या मैं परमेश्वर हूँ तुझे बच्चा दे दूंगा, तब राहेल को समझ में आया कि मुझे तो परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उसके सामने जाके दरवाजा खटखटाना है, प्रभु यीशु राजा सुन ले मेरी प्रार्थनाओं को, मैं प्यासी हूँ, मैं भूखी हूँ, मेरे जीवन में प्रभु तू रोटी दे, मुझे मुझे पानी दे ताकि मैं जीवन पाऊँ, प्रभु यीशु राजा मेरी हर घटी कमियों को मेरी सुधि ले, राहेल कहने लगती है। हालेलुया। तब जब राहेल का आंसू परमेश्वर देखता है स्वर्ग से, तो परमेश्वर से रहा नहीं जाता। परमेश्वर कहता, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी सुन, देख मैंने तेरी सुधि ले ली है, मैंने तुझे जांच लिया है, मैंने तुझे परख लिया है, तू मेरी बेटी है, देख आज से मैं तेरा गर्भ खोलता हूँ और तू बेटी जनेगी। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन आप किस रीति से परमेश्वर के सामने जाते हो? उसके बाद तो चलो ठीक है, आपके लिए भविष्यवाणी, राहेल क्या करती है, उसके लिए भविष्यवाणी तो हो गया, आपकी अब परमेश्वर बेटा देगी। हालेलुया। अब वो गर्भवती होगी, अब वो खुशी आनंद से मिलेगा। उसके बाद तो फिर गुंडे शुरू। हालेलुया। फिर उसके बाद जाती झगड़ा कर दिया, वो करती है, सबको गाली देती है, सारा गलत काम करती है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने नहीं जाती है, तो क्या उसे बेटा मिलेगा? मिलेगा? जोर से आवाज निकाल के बोलो, मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो राहेल को कैसे बेटा मिला? जब वो परमेश्वर के उस वचन पे विश्वास की और अपने आप को परमेश्वर के रास्ते में बना ली। उसने कहा, मैं संसार से मतलब नहीं है, मुझे मेरे पति से मतलब नहीं है, मुझे मेरे पत्नी से मतलब नहीं है, मुझे संसार से मेरे माँ बाप से मतलब नहीं, मुझे तो प्यास है मेरे परमेश्वर की, मेरे यीशु मसीह की। मैं प्रभु तूने बोला मैं तो तेरे पीछे चलूंगी, क्योंकि मैंने तुझे चख लिया है, मैंने तुझे जान लिया है कि देने वाला तो मेरा पति नहीं है, देने वाला तो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। राहेल ने विश्वास किया इस वचन को। जब याकूब कहता है कि क्या मैं भी बच्चा देने वाला हूँ, क्या मैं बच्चा देता हूँ, क्या मैं परमेश्वर हूँ, जब याकूब ने कहा, तब राहेल ने विश्वास किया कि अरे देने वाला तो मेरा पति तो नहीं है, कौन है? परमेश्वर देने वाला, तो मैं क्यों जाऊं अपने पति का दरवाजे खटखटाऊं? मैं तो अब तो परमेश्वर का दरवाजा खटखटाऊंगा जो स्वर्ग में बैठा मेरा सुन रहा है। हालेलुया। आज आप सभी अपने पति, अपने माता, अपने बाप का नहीं, संसार का दरवाजा मत खटखटाओ, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओ, परमेश्वर आपको देगा।
आपके आपके विरुद्ध चलने वाला उस मनुष्य का हृदय मेरा परमेश्वर बदलेगा। जिसका मन नहीं बदला मेरा परमेश्वर उसका मन बदलता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर नीति वचन के 21 के 21 में कहता है कि अरे राजाओं का मन जो है नालों के समान है, मैं जिधर चाहूंगा उधर मोड़ दूंगा। अरे मनुष्य का मन तो मेरे हाथ में है। देख 21 के हालेलुया एक में परमेश्वर कहते हैं कि अरे राजाओं का मन, मनुष्य का मन मेरे हाथ में है, मैं काबू करता हूँ, मैं संसार को बदल दूंगा जब तुम मांगोगे। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से मांगते हो? क्या परमेश्वर से कहते हो परमेश्वर मैं तेरे वचनों में चलूंगा, जैसे तूने मुझे कहा है मैं वैसे ही करूंगा, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा और मेरा विश्वास तुझ पर बना रहेगा, मैं संसार को कुछ नहीं कहूंगी, मैं संसार को कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु तू स्वर्ग से मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। जब इस बात को आप समझते हो और जैसे मत्ती 13 के 9 में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर जो आपने यह वचन सुना है तो आज अपने माइंड में रख लो, अपने दिमाग में रख लो कि देने वाला सिर्फ परमेश्वर है और छीनने वाला संसार है। अब संसार से मित्रता करोगे परमेश्वर से? अगर जो आपको छिनवाना है तो संसार से मित्रता कर लो, वो आपको भरपूर जो होगा वो भी ले जाएगा और उसके साथ आप आनंद भाई मनाइएगा और भंगड़ा पाइएगा। अगर जो आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरा देगा तो अपना आनंद यीशु मसीह को दो। देखो आपका वो आनंद दुगना करके देगा मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं और आगे के वचन में जाएंगे। हम योहन्ना 16 का 21 पढ़ेंगे। हालेलुया।